इन दिनों डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए का असर देश की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार में गिरावट से दो दिन के भीतर ही निवेशकों के 5,00,000 करोड़ रुपए डूब गए। दो दिन में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1,357 अंक टूट गया। गुरुवार को बाजार में भी जोरदार बिकवाली का सिलसिला चला। सेंसेक्स 806 अंक टूटकर 35,159 के स्तर पर आ गया, तो वहीं रुपया भी अपने सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा, जबकि कच्चा तेल $86 प्रति बैरल को पार कर गया। बाजार में इस तरह की जोरदार गिरावट से बंबई शेयर बाजार की कंपनियों का बाजार पूंजीकरण यानी कैपिटल दो दिन में 5,02,895 करोड़ रुपए से घटकर 1,40,39,742 करोड़ रुपए पर आ गया। यह सेंसेक्स का 2 जुलाई के बाद का सबसे निचला स्तर है। शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट का सिलसिला रुपए के लगातार कमजोर होने से कायम रहा। अंतरबैंक विदेश विनिमय बाजार में रुपया दिन के कारोबार के दौरान 73.81 प्रति डॉलर के अपने नए सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। कच्चे तेल के दाम भी $86 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गए, जिससे बाजार में जोरदार बिकवाली का सिलसिला चला। इसके अलावा निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजों के इंतजार में भी सतर्क हैं। मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजे शुक्रवार यानी आज आएंगे। शेयर बाजार के ब्रोकरों ने कहा है कि अन्य एशियाई बाजारों में कमजोरी के रुख और अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने तथा बेहतर आर्थिक आंकड़ों से यह आशंका बनी है कि निवेशक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की ओर रुख कर सकते हैं। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।